ओके स्वैगन मल्टो कमेंट की वीडियो जिस पर मुझे पता है व्यूज नहीं आने वाले, बट फिर भी इसे मैं ब्रेड ऑन करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ बिकॉज ओमनी मैन का ट्रेलर आया है। आई मीन ट्रेलर तो नहीं कह सकते, छोटा सा टीजर आया है जो कि एक मिनट का भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे देखकर मजा आता है। सो इस वीडियो में मैं इसी टीजर को ब्रेड ऑन करूंगा, इसलिए जल्दी से लेट्स बिगेन। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि ये ओमनी मैन है कौन। सो द इनविंसिबल सीरीज प्राइम वीडियो पर एक एनिमेटेड सुपर हीरोज का शो है जिसका अभी तक सीजन 1 आया है और इसका दूसरा सीजन भी आने ही वाला है। सो इस सीरीज में ओमनी मैन पहले एक सुपर हीरो होता है, बट बाद में हमें उसकी रियलिटी पता चलती है जो कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि एक सुपर विलन था। और ये सुपर विलन सुपरमैन के ही जैसे गॉड लाइक पावर्स को कैरी करता है। और इस शो में ओमनी मैन के जो भी फाइटिंग स्किल्स थी वो भी इस ट्रेलर में मतलब कि MK1 के गेम में ओमनी मैन में ऐड किए हैं, इसलिए अगर तुमने ये शो देखा होगा तो ज्यादा बेटर है। सो अब चलो टीजर की बात करते हैं। तो टीजर के स्टार्टिंग में हमें ओमनी मैन ल्यू कैंग के साथ लोडिंग स्क्रीन पर देखने को मिलता है, जिसमें ल्यू कैंग ओमनी मैन से डिस्ट्रॉय वर्ल्ड्स और होल्ड टाइमलाइन के बारे में कहता है और ओमनी मैन रिप्लाई देता है कि फाइनली मुझे एक वर्दी चैलेंजर मिला। फिर इसके बाद हम ओमनी मैन का गेम प्ले देखते हैं और यहाँ पर एक कैमियो फाइटर को भी देख सकते हो जो कि न्यू कैरेक्टर है और इसका नाम है ट्रेमर, जिसे देखकर पता चल रहा है कि इसके पास रॉक या मिट्टी की पावर है जो अपने नाम के ही जैसे मे भी फर्टैलिटी में भूकंप ला सकता हो। सो अब गेम प्ले की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि MK1 में ओमनी मैन के मूव्स को भी इसी इनविंसिबल सीरीज से लिया गया है, जिसमें हमें पहला कॉम्बो ट्रेमर के साथ देखने को मिलता है और ये पटकने वाला सीन इस सीरीज का ही है जब ओमनी मैन डार्क विंग को पटक कर मार देता है। फिर इसके बाद ये जो पंचिस का फेटल ब्लो है ये भी सीरीज से इंस्पायर्ड है, जब ओमनी मैन अपने बेटे को बहुत ही बुरी तरह से पंचिस से मारते हुए उसे खत्म कर देता है। फिर इसके बाद एक और लोडिंग स्क्रीन है ओमनी मैन और स्कॉर्पियन के बीच देखने को मिलता है, जिसमें ओमनी मैन अपने विल्ट्रम एम्पायर के बारे में बताता है जो कि सीरीज में उसका विल्ट्रम प्लैनेट है जहाँ से वो आया था। और इसके बाद फिर हमें एक और कॉम्बो देखने को मिलता है, बट इसके बाद ये जो मूव आता है ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि देख सकते हो कि ओमनी मैन का ब्लॉकिंग कितना ऑसम है और इसमें ओमनी मैन बस ब्लॉक ही नहीं करता बल्कि ब्लॉक करके अपोनेंट पर अटैक भी करता है और वो भी अपोनेंट के बैक पर, जो कि ये मूव भी सीरीज का ही है। फिर इसके बाद सीधे हमें ओमनी मैन की फर्टैलिटी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ऑसम था, क्योंकि अगर तुमने इनविजिबल सीरीज देखी होगी जिसमें ओमनी मैन अपने बेटे को आती हुई सबवे ट्रेन में घुसा देता है जो कि सीरीज का बहुत ही ओपी मोमेंट था। सो इसी मूव को MK1 में ओमनी मैन का फर्टैलिटी बनाया गया है। फिर इसके बाद लास्ट में ये सिर को कुचलने वाला सीन भी सीरीज का ही है, जब ओमनी मैन रेड रस्ट को जो कि फ्लैश की जैसे तेज भाग सकता था, बट ओमनी मैन उसके सर को अपने हाथों से कुचल देता है। एंड आई थिंक ये गेम में ओमनी मैन का सेकंड फर्टैलिटी हो सकता है। और इसी के साथ टीजर यहीं पर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि टीजर बहुत ही छोटा है, बट इसके बाद हमें टीजर में ये भी बताया गया कि ओमनी मैन गेम के लिए नवंबर 2023 कमिंग सून पर है। सो या गाइस ये था आज का छोटा सा ब्रेकडाउन, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और मिलता हूँ तुमसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।